अभी फिलहाल चलते हैं हमारा मेन एंट्रेंस एंड मेन अट्रैक्शन ऑफ द हाउस एंड दिस इज माय रूम गाइस। ओके तो फटाफट से अब रूम के अंदर चलते हैं। रूम का तो झलक तुम लोगों को दिखाई देता है। देखा आवाज़ देखा तुम लोग, रूम का एक आध झलक तो तुम लोगों को दिखाई देता है। ओके मेरे व्लॉग्स में तुम लोगों को दिखाई देता है रूम का थोड़ा एक आध झलक तो दिखाई देता ही है, बट फिर भी चलो इधर से शुरू करते हैं। ओके पहला ये है हमारा मेरा मैट। ओके ये मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, ये मेरा मैट है। ओके एंड पता है यार तुम लोग इसका काम पता है। ये है हमारा पंखुआ, ये है हमारा पंखा गाइस। एंड ये बहुत मतलब बहुत ये शोर करता है। रुको मुझे चलाने दो पहले। देख रहे हो कितना शोर कर रहा है ये। एंड ये फिर भी देखो लो सेटिंग्स में है, फिर भी ये लो सेटिंग्स में है। ओके लोएस्ट सेटिंग्स में ये इतना शोर करेगा, हाई सेटिंग्स में मैं नहीं भेज रहा इसको। ओके भाई क्या बताऊँ, बहुत शोर करता है ये। ओके इसको बंद रखने दो फटाफट से। एंड ये है हमारा पंखा। ओके एंड ये सब पर्दा हम लोगों ने मतलब रिसेंटली लगाया है ये पर्दे। ओके रिसेंटली मतलब लाइक 4-5 महीने पहले भाई। ये रूम ही शायद लाइक 8-9 महीने पहले ये रूम बनाया है। ओके बनाया गया है। ओके तो ये सब तो पता है तुम लोगों की रूम है ये। एंड ओके तो फिलहाल हम लोग चलते हैं थोड़ा बाहर, इधर से इधर बाहर जाके। ये देखो गाइस दिस प्लांट इज डेड लाइक रिप, ये फुल मर चुका है ये वाला प्लांट। बट दूसरे प्लांट छत के बाहर है तो वो बाद में दिखाऊंगा। बट ये वाला प्लांट बिल्कुल मर चुका है, क्या बताऊँ यार, रिप एकदम रिप हो चुका है गाइस। एमएन बंद करते हैं खिड़की को। ओके तो गाइस अब कोई मजाक नहीं, इधर से अब सीरियसली शुरू करते हैं। ये है मेरा स्लाइडिंग डोर। ओके ये है मेरा कबर्ड एंड इधर मैं अपना सब कुछ मतलब कह सकते हो बुक शेल्फ है यहाँ पे सब कुछ। मैं ये कबर्ड ही है बट इसको मैंने बुक शेल्फ बना दिया है। तो पहले मैं इसमें कपड़े वपड़े रखता था, अभी मैं बुक्स रखता हूँ। एंड ये कितने सारे बुक्स है देखो भाई, कितने सारे बुक्स है लाइक देख सकते हो भाई, बुक्स के ऊपर बुक्स है इधर, सब कुछ है इधर। इधर 10 से शुरू करके 12 तक सब कुछ है इधर। ओके एंड लॉकडाउन में तो ये निकला ही नहीं है। ओके 3-4 बुक्स निकले हैं इधर से, ये निकला ही नहीं है। इसको फटाफट से कर देते हैं बंद। ओके एंड इसको बंद करने के बाद गाइस इधर आते हैं। ये है मेरा सॉफ्ट टॉयज का कलेक्शन। ये मेरे को मिला था जब मैं आई गेस 7 साल का था या फिर मैं 5 साल का था, मैं भूल गया। ये भी मिला था मेरे को। ओके एंड ये है मेरा प्यारा सा मास्क। मैं जब भी जाता हूँ इसको इससे खोल के मैं पहन लेता हूँ, जब मैं आता हूँ वापस इसको पहना देता हूँ कि कुत्ते को। एंड ये है एक पग। ओके देखो पग को देखो लिटरली। ये है पू, तुम लोगों को तो पता ही है। ये है मेरा सॉफ्ट टॉयज का कलेक्शन। नीचे भी थोड़ा बहुत है एंड इधर भी थोड़े बहुत है। ओके ये मम्मी का है, ये एंड वो मम्मी का है, ये दोनों। ये मेरा था। ओके बहुत जगह से लेके आया यार। ओके एंड दिस इज अ रूम टूर गाइस। ये है मेरा इधर आते हैं। ओके इधर आके ये है मेरा वूपर। ओके इधर से मैं मतलब यहाँ से ऑक्स केबल जाता है उधर, उधर जाके इधर से मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। ओके मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी देता है, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी देता है गाइज ये। ओके एंड यहाँ से ऑक्स केबल जाता है उधर, कनेक्ट होता है। एंड ये है दोनों वो स्पीकर्स। ओके तो बहुत अच्छा कनेक्ट होता है यहाँ से एंड ये बहुत बढ़िया है। ओके एंड अब चलते हैं इधर गाइज। ये देखो दिस इज माई रूम फ्रेशनर, मैं थोड़ा रखता हूँ इधर मतलब सब कुछ यार। क्या क्या है ना थोड़ा सा फ्रेश एयर भी ज़रूरत, फ्रेश एयर नहीं मतलब ये थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है यार, थोड़ा सा लगता ही है। ओके इसको रखते हैं साइड में। एंड इसके बाद है ये है मेरा सैनिटाइज़र। ओके कोरोना का समय है इसलिए मैं सैनिटाइज़र मतलब जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो अगर आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम देखते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार मैं हमेशा यह हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करता हूँ। ओके हैबिट बन चुका है एक। यह मेरे 2 वाटर बॉटल्स, मैं इधर 2 वाटर बॉटल्स नहीं रखता हूँ, एक मैं नीचे रखता हूँ एंड एक इधर रखता हूँ, बट ये वाला ख़त्म हो चुका था इसीलिए मैं ये वाला लेके आया। सेटअप टूर में हम लोग बाद में जाएंगे। उसके बाद इधर आता है हमारा ये एक कुछ है भाई शेल्फ है ये। ओके इधर हम लोग सब कुछ रखते हैं। ये है मेरा USB हब, वो है मेरा चाबी एंड लॉक है वो। एंड ये है USB हब। ओके एंड इसे क्या होता है ना मतलब एक USB से
हम लोग 3-4 USB हम लोग इधर से कनेक्ट करके चार्ज दे सकते हैं, तो ये वाला फ़ोन भी चार्ज हो जाता है, ये वाला फ़ोन भी चार्ज हो जाता है, सब कुछ बाद में आऊँगा डिवाइस पे, बट पहले इधर जाते ही हैं मेरे दो अलमेरा एंड इधर बहुत सारा कपड़ा है भाई, इधर पापा का एंड मेरा मिल के बहुत सारा, दोनों अलमेरा में भर भर के कपड़े हैं। इधर हमारे पास है ये दोनों इजी चेयर्स, ओके, एंड ये बहुत फनी इजी चेयर है, ओके, लाइक बहुत एडवेंचरस है यार, जब तुम बैठोगे ना लाइक फुल तुम इधर यार फुल गिर जाओगे, ओके, ऐसे टाइप के है। एंड ये बहुत कम मिलता है, मैंने इसे ले लिया था दो, ओके, मिल गया था, पुराना है बट मिल गया था, बहुत बढ़िया है। जब यहाँ पे बेड आएगा तो इसका एक इजी चेयर चले जाएगा मेरे दूसरे घर में एंड एक रहेगा इधर, ओके। एंड ये है मैं बहुत पुराना एक चेयर, ओके, अगर तुम लोग थोड़े पुराने ज़माने से हो तो तुम लोगों को पता चलेगा कि सब दादाजी इधर बैठा करते थे इस वाले चेयर में, तुम लोगों को पता है। एंड ये है हमारा प्यारा सा पंखा, क्योंकि ये है हमारा यार शेड है ना इधर, तो हम लोग पंखा अगर लगाएंगे तो यार हाथ चला जाएगा एंड यार सेफ नहीं होगा वो, इसीलिए हम लोगों ने ये पंखा लगाया है इस रूम में। ये बहुत डिसेंट हवा देता है, और ये पंखा है ये भी बहुत डिसेंट हवा देता है। तो यहाँ पे एक चेयर है, ओके, मैंने जस्ट रखा है। एंड ये है मेरा जंप रोप, गाइस, जंप रोप मैं हर दिन करता हूँ, 1000 जंप रोप्स करता हूँ मैं डेली, ओके, एंड यार थोड़ा पतला भी होना है ना। तो इधर देखो, इधर आते हैं, हमारा शू का रैक है ये, ओके, एंड ये है मेरे वर्कआउट शूज, मैं इसे ज़्यादा बाहर तो नहीं जाता इससे, बट थोड़ा बहुत अगर जाता हूँ तो ये पहन के ही जाता हूँ, ओके, एंड मैं घर में ये पहनता हूँ, ओके, लाल ये चप्पल पहनता हूँ मैं घर में, मतलब ठंड हो या फिर गर्मी हो मैं यही पहनता हूँ। एंड इन सबको भाई इग्नोर हुआ आते हैं, अब आते हैं हमारा मेन अट्रैक्शन जो है हमारा PC, गाइस, तो इसको करते हैं फटाफट से साइड में एंड PC में आते हैं, गाइस, PC ये है हमारा मेरा सैमसंग का मॉनिटर, बहुत पुराना है, लाइक 8 साल हो चुका है ये सैमसंग का मॉनिटर। एंड ये देखो गाइस, दिस इज माय सैमसंग का मॉनिटर, मॉडल नंबर है S19D, यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, बट ये मॉडल नंबर यही है, ओके, S19D है मॉडल नंबर, बहुत बढ़िया मॉनिटर है। एंड ये है हमारे स्पीकर्स, ओके, एक बजट स्पीकर्स है, उतने भी अच्छे नहीं है, इससे बेटर ये स्पीकर्स है, बट ये थोड़ा सा सपोर्ट दे देता है ये स्पीकर्स, बट बैस बहुत बेकार है, अगर खरीदना है तो ये मत खरीदो एटलीस्ट, बट मॉनिटर बहुत बढ़िया है, मॉनिटर खरीद सकते हो, बट ये फुल HD मॉनिटर नहीं है, ये 768 तक दे देता है रेजोल्यूशन, फुल HD नहीं देता है, क्योंकि मैंने इसे 8 साल पुराना है ना, तो ये तब नहीं आया था 1920x1080 नहीं आया था तब, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो यही लगता है इसीलिए इसमें नहीं है। ये है हमारा CPU, और यू कैन कॉल द पोटैटो PC, ओके, एंड ये देखो गाइस, पोटैटो PC को देखो, पोटैटो PC में क्या है ना, ओके, बाय द वे ये एक टेबल है जो एक मतलब बनाया गया है टेबल, मैंने खरीदा नहीं है, ये बनाया है टेबल, नीचे जब मैं शूट करता था तो ये टेबल फिट हो जाता था अंदर, तो इसीलिए मैंने ये टेबल बनाया है। इधर है मेरा पेन का स्टैंड, ओके, इधर है मेरा पेन का स्टैंड गाइस, एंड ये है एक वॉच का जो होता है ना कवर, जहाँ पे रखते हैं वॉच वो है, एंड वो उधर मैं भाई चिल्लर विल्लर रखता हूँ फिलहाल, ओके, एंड ये देख सकते हो तुम लोग गाइस, ये देख सकते हो ये क्या है, ये है एक ये तो ईथरनेट केबल है, एंड ये है एक मतलब PUBG का 4 फिंगर गेम पैड ट्रिगर था, वो हैंडी था, बट फिलहाल मैं क्लॉ यूज़ करता हूँ खेलने के लिए। तो अब आते हैं PC पे मेरा है गाइस, मतलब 8GB वाला तो नहीं है, बहुत पुराना PC है, देख के ही कह सकते हो तुम लोग DVD राइटर वाला। तो यहाँ पे मेरे पास है i3 फोर्थ जेनरेशन 4150 3.5 GHz का एक CPU, एंड इसके साथ है Asus का H81M का मदरबोर्ड, इसके साथ है Corsair Vengeance 8GB RAM, एंड मैंने मतलब जब मैंने ख़रीदा था तब मैंने 4GB वाला RAM लगाया था DDR3, ओके, तो DDR3 वाला ही है, एंड 8GB मैंने बाद में लगाया था, एक दोस्त से लेके मैंने ये लगाया था, मैंने ख़रीदा नहीं था 8GB वाला RAM। तो पावर सप्लाई इसमें है 220 वोल्ट का Foxin का पावर सप्लाई है,
तो सोच सकते हो गाइस कि बहुत पुराना पीसी है, क्योंकि आजकल का पावर सप्लाई आता है 500-600 वोल्ट का आता है, उस तक उसमें आया था 220 वोल्ट का, यानी बहुत बढ़िया चलता है। ओके, SMPS मेरा एक दो बार खराब हो चुका है, मैं रिप्लेस कर चुका हूँ, बट 220 वोल्ट का पावर सप्लाई मतलब इसके लिए भाई आइडियल है। ओके, तो अब आते हैं गाइस, मैं इधर आते हैं, चलो इधर आके मैं बोलता हूँ कि कैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ, कैसे मेरा वॉइस आता है, सब कुछ आता है, कहाँ एडिट करता हूँ, सब कुछ बताऊँगा। चलो लेट्स गो, दिस इज़ माई माइक गाइस, आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा देख लो जाके, बहुत फनी बनाया है। ओके, तो देख लो जाके, मेरे सब में है भाई, रैंडम्स एंड रिएक्शन प्लेलिस्ट में है सब कुछ, ये जाके देख लो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये है माउनो AU A04, एंड ये बहुत बढ़िया क्वालिटी देता है यार, ये ब्लू स्नोबॉल एंड ब्लू एटी की तरह ही क्वालिटी देता है, ब्लू एटी की तरह ऑब्वियसली नहीं दे पाता है, बट उससे मतलब कम्पीट कर सकते हो तुम लोग। ओके, तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी देता है, अगर तुम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होगे ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, पहले तो भाई तुम ऑडियो चेंज करो अपना, अगर तुम लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, अगर तुम लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो एंड तुम्हारा लाइक तुम्हारा पीसी अच्छा नहीं है, तुम्हारा गेम प्ले अच्छा नहीं है, तो लोग तुम्हें क्यों देखेंगे, तुम्हारे ऑडियो की वजह से देखेंगे गाइस, मैं बता रहा हूँ यार, मैं नूबरा खेलता हूँ, लोग मुझे क्यों देखते हैं, मेरा ऑडियो बहुत अच्छा आता है इसीलिए मेरे को देखते हैं। तो अगर तुम लोग लाइव करना चाहते हो, पीसी पे इन्वेस्ट करने से पहले माइक खरीदो, एक अच्छा सा माइक खरीदो, बुरा सा 100-200 वाला माइक खरीद मत खरीदो, बस पछताओगे, मनी वेस्ट जाएगा। खरीदना है माउनो AU A04, ब्लू स्नोबॉल, ये सब खरीदो यार, नहीं तो मत खरीदो। ओके, तो भाई माइक का तो चक्कर हो गया, एंड ये है मेरा वेबकैम गाइस, यस दिस इज माय वेबकैम, मैं फ़ोन की मदद से वेबकैम बनाता हूँ, क्योंकि मेरे मॉनिटर पे वेबकैम नहीं है। ओके, फोन एक्ट्स एज माय वेबकैम, कैसे तुम लोग पूछोगे, मेरा इधर है ड्रॉइड कैम ऐप, ओके देख सकते हो आई गेस, इधर मेरा है गाइस ड्रॉइड कैम ऐप। ओके, तो ड्रॉइड कैम ऐप से क्या होता है ना, ड्रॉइड कैम ऐप से, रुको भाई ये ना जल्दी भाई बैठ जा ब्रो, बैठ जा, चलो ड्रॉइड कैम ऐप से क्या होता है ना, तुम वायरलेसली फ़ोन का कैमरा उधर ले जा सकते हो, सब फ्री वर्जन है। ओके, कोई पेड वर्जन नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने कुछ खरीदा नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो तुम मोबाइल का कैमरा तुम मॉनिटर के पीसी पे ला सकते हो। ओके, मतलब फ़ोन विल एक्ट एज अ वेब कैम विया ड्रॉइड कैम, ड्रॉइड कैम की ऐप से तुम ये कर सकते हो। ओके, तो ड्रॉइड कैम के ऐप से मेरा आ जाता है वेब कैम, एंड मेरा ऑडियो आ जाता है इधर से। ओके, अब आते हैं गेम का कैसे आता है, ये देख रहे हो, ये एक USB कॉर्ड है, मोबाइल पे जाके तुम्हें USB डीबगिंग ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ये वाला USB कॉर्ड तुम्हें लगाना पड़ेगा फ़ोन में। ओके, फ़ोन के अंदर तुम्हें लगाना पड़ेगा, एंड उसके बाद तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, तुम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मैं पहले यूज़ करता था APR मिरर, बट उसमें क्या होता है ना, बहुत लैग होता है, मेरा लैग होता है, तुम लोगों का लैग नहीं भी हो सकता है, वाइजर डाउनलोड कर लो। ओके, वाइजर से लैग नहीं होता है, मतलब मेरा नहीं होता है, आपका हो सकता है, तुम APR मिरर ट्राई कर सकते हो। ओके, मतलब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट है ना, तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए यार। एंड तो मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल वाइजर, एंड वाइजर से तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो मिररिंग, स्क्रीन मिरर कर सकते हो, मोबाइल का स्क्रीन तुम कंप्यूटर में ला सकते हो विदाउट द ऑडियो। ओके, विदाउट द गेम साउंड और विदाउट द ऑडियो। ओके, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को, तो स्क्रीन का मिरर तुम लोग विदाउट द ऑडियो कंप्यूटर में ला सकते हो। एंड अब तुम लोग पूछोगे कि यार ऑडियो कहाँ से लाता है, ऑडियो लाता हूँ मैं, सुनो ध्यान से सुनो। ओके, ये है ऑक्स केबल। ओके, ये मैं रखता हूँ मेरे माइक का जो ऑक्स पॉइंट है, यहाँ पे मैं घुसाता हूँ, ये ऑक्स केबल मैं इधर लगा देता हूँ, एंड फिर मैं इसका जो ऑडियो मैनेजर है कंप्यूटर का, तुम ऑडियो मैनेजर में जाओ, ये वाला तुम सेट कर देना, मतलब ऑक्स केबल का तुम सेट कर देना लाइन इन पे। ओके, LINEIN लाइन इन पे सेट कर देना, तो क्या होगा ना, तुम्हारा ऑडियो भी आ जाएगा उधर, तो ऑडियो भी आ जाएगा, स्क्रीन का मिरर भी हो जाएगा, वेबकैम इधर है, माइक इधर है। तो दिस इज़ माय कंप्लीट सेटअप गाइस, दिस इज़ माय कंप्लीट सेटअप। एंड यार बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार हाउस टूर दे दो, सेटअप टूर दे दो, कैसे वीडियो बनाते हो, बाय द वे मैं वीडियो एडिट करता हूँ गाइस फिल्मोरा में। ओके, फिल्मोरा में मैं वीडियो एडिट करता हूँ। ओके, तो फिल्मोरा ऐप बहुत बढ़िया ऐप है,
फिल्मोरा ऐप यार बिगिनर लोगों के लिए यार बहुत अच्छा ऐप है। मैं उसके आगे मैं यूज़ करता था गाइज वो काइंड मास्टर यूज़ करता था फ़ोन का, तो उसके बाद मैं जब पीसी पे शिफ्ट हुआ तो मैं फिल्मोरा यूज़ करता हूँ फिलहाल। तो फिल्मोरा बहुत ईजी ऐप है गाइज, तुम लोग अगर चाहते हो तो तुम यूज़ कर सकते हो गाइज, एंड बहुत बढ़िया ऐप है। ओके तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द हाउस टूर एंड द सेटअप टूर गाइज। एंड यार अगर कोई डाउट्स है ना तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं बता दूंगा। ओके एंड यार बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार हाउस टूर दिखाओ, सेटअप टूर दिखाओ, दिस इज इट। ओके खुश रहो अब। ओके एंड इस वीडियो को शेयर मारो, जो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना हाउ टू स्ट्रीम विद इंटरनल ऑडियो, ये वो, ये शेयर मारो वीडियो, उन लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके तो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट द बेल आइकन, एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो लोग मुझे जान पाए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेव एंड टेक केयर, बाय बाय।